वेलकम टू बैक माय चैनल खुशी लेडीज टेलर। एंड आप रिक्वेस्ट करें और हम ना पूरा करें ऐसा हो नहीं सकता है। तो चलिए वीडियो लेकर आ गए हैं हम। एंड ये वीडियो हमारा बॉम्बे कटिंग है। आप बहुत किसी किसी को होता है कि बॉम्बे कटिंग नहीं आता है करने, किसी किसी को होता है कि आता है, किसी किसी को नहीं होता है, नहीं आता है। तो जो न्यू होते हैं, जो न्यू सीख रहे होते हैं, या फिर वो यूट्यूब से सीखे या फिर कोचिंग जाकर सीखे, जैसा भी है जिसको नहीं आता है, तो वही रिक्वेस्ट को लेकर के हमने इस वीडियो को बनाया है। उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो आप हमारा रिक्वेस्ट पूरा कीजिए, हम आपका रिक्वेस्ट पूरा करेंगे। हम आपका रिक्वेस्ट तो जान चुके हैं कि आप बॉम्बे कटिंग बोल रहे हो कि कैसे बनता है। एंड आपको भी हमारा रिक्वेस्ट पता होना चाहिए। हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। एंड कोई डाउट है तो वो भी कॉमेंट करके पूछो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारा ब्लाउज है, ये हमारा जो कस्टमर है वो ब्लाउज दिए हैं। तो ब्लाउज को सबसे पहले क्या नापा जाता है वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक पार्ट खोलेंगे, ब्लाउज को खोल देंगे हम। एक पार्ट को यहाँ से हम नाप लेंगे इस जगह से। तो देखिए ये इसमें हम दो तरीका आपको बताएंगे कि दो तरीका से ब्लाउज कैसे कटिंग की जाती है। पहला तरीका तो आपको हम बताते हैं जो जिसमें आप हुक लगाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें मेरा हुक पट्टी है, इसको हुक पट्टी बोला जाता है। तो हुक पट्टी से हम टान कर इस जगह तक कपड़ा को इंच को लाएंगे। तो ये देखिए हमारा ये 10 पर है, पूरी मार्जिन हमारे 10 पर है, यानी 9 पर। ये 36 नंबर ब्लाउज है, ये 9 पर मैंने फिनिश हुआ है और 10 लिया हुआ है। एक तरीका ये हुआ, हम हुक काट पट्टी तरफ से नहीं नापेंगे, हम जब भी नापेंगे तो हुक पट्टी नापेंगे। उसके बाद दूसरा तरीका हमारा क्या हुआ, ये जो है पीठ साइड यानी बैक साइड, बैक साइड को जिस जगह बाजू लगती है नीचे साइड, इस जगह ऐसे करके आप देख सकते हैं। ये मेरा हारमोल है, हारमोल के नीचे वाला जो सिलाई रहता है वहां से आप नाप सकते हैं। दिस अ सेकंड मतलब आइडिया। तो देखिए यहाँ देखिए हमारा 22 है, आप देख सकते हैं 22 पर है, यानी 11 दूनी 22। तो वो हमारा 10 पे फिनिश था, तो हमारा 11 पे हम ब्लाउज काटते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी हमारा देखिए 22 है, जो भी है आपका अगर 18 होगा तो 9 दुनिया 18 पे काटिएगा और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा ब्लाउज का मार्जिन के लिए, या 1.5 इंच आप ले सकते हैं। ज्यादा हम लोग तो ज्यादा करके मार्जिन लेते हैं, 1.5 इंच या 1 से ज्यादा ही मार्जिन लेते हैं, ताकि हम मोटा पतला होने के बाद हम कपड़ा को खोल सके। तो इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं हमारा 22 है, तो 11 दूनी 22 पर हमारा कट होगा। उसी तरह आपको हम काजपट्टी में भी बताए थे कि हमारा पूरे कपड़ा 10 पर है, तो 1 इंच हम ज्यादा लेंगे ताकि हम मार्जिन का चिन्ह रखे सके। और ये हमारा सूती वाला है, थोड़ा कपड़ा को टांगता है, अस्तर वाला है, और ये हमेशा के लिए आदमी नहीं पहनता है, कहीं पार्टी फंक्शन या कहीं जाते होते हैं तो पहनते हैं। और ये ज्यादा दामी साड़ी है, तो हम थोड़ा सा ज्यादा करके मार्जिन रखेंगे ताकि हम मोटाने पर खोल सके। तो ये देखिए हम 11 पर कट करेंगे, थोड़ा ज्यादा करके मार्जिन लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा 11 इंच मार्जिन ले लिए हैं। अब इसकी हम लंबाई लेंगे, तो लंबाई हम 16 इंच लेंगे। क्यों 16 लेंगे, क्योंकि ये हम ब्लाउज की लंबाई पहले नाप चुके हैं, उसके आपसे भी आपके पास भी नाप के बता देते हैं। देखिए ये हमारा 14.5 पर है, तो आधा इंच ऊपर गया 15, और 1 इंच हमारा नीचे जाएगा मार्जिन के लिए, इसलिए हम 16 इंच लिए हुए हैं। कंधा लेंगे 6 इंच, बाजू लेंगे 5.5 इंच। इस कपड़ा को नाप नहीं होता है, इस जगह 1 इंच पर हम गोलाई का निशान लगाएंगे। कंधा जो 6 इंच लिए हुए हैं
उसमें से 2.5 इंच हम गला लेंगे। अब 2.5 इंच तो ले लिए हैं, अब आपको गला नापना है। आप इस तरह करके गला नाप लीजिएगा, गला हमारा 9 पर है तो हम 9 इंच गला ले लेंगे। और 1/2 इंच करके हम गोलाई दे लेंगे, उसके बाद हम कट कर लेंगे। यहां से गला कट कर लेंगे। बाजू कट कर लेंगे, इसको आप लोग हरमोल बोलते हैं। अब देखिए हमारा बैक साइड कट गया है, अब हम आपको फ्रंट साइड कटने बताएंगे। तो फ्रंट में हम क्या करेंगे, 1 इंच हम बढ़ा लेंगे, जो हम 11 लिए थे वो हम 12 कर लेंगे, 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। उसके बाद हम कंधा 6 ले लेंगे, बाजू हम 5.5 ले लेंगे, और 1 इंच पर हम गोलाई दे लेंगे। हम 15 रखे थे तो 16 लिए थे, तो इसके आगे की लंबाई 17 ले लेंगे। आगे की लंबाई पीछे की लंबाई से ज्यादा होती है। बाद गला के लिए 6 ही जो कंधा लिए उसी में से गला 2.5 इंच ले लेंगे, आगे गला 6 ले लेंगे। आप पर निर्भर करता है आप कितने पे गला पहनना चाहते हैं, या 5, 5.5, 6 जो भी है आप पहन सकते हैं। और ये हमारा आपको बताए थे कि वीडियो में बम्बे कटिंग है, तो ये बम्बे का उसमें वो ब्लाउज जो है मेरा सादा ब्लाउज का नाप है, और इसमें हमको बम्बे बनाना है, इसलिए आपको हम ब्लाउज नहीं दिखा रहे हैं। बम्बे कटिंग में देखिए इस जगह से ऐसे करके क्रॉस मार्क होता है, इस तरह सीधा जाके इधर हल्का सा क्रॉस होता है, इसको बम्बे कटिंग कहते हैं। वो 12-13 जैसा आदमी होता है हेल्थ के अनुसार, पतला दुबला के अनुसार वो ब्लाउज होता है। उसके बाद हम गला कट कर लेंगे। दोनों पार्ट को कट कर देंगे बीचों बीच। जब आप पीछे हुक वाला बनाइएगा तो आगे नहीं कट कीजिएगा, पीछे बैक साइड में जब हुक पड़ता है तो फ्रंट साइड में उसका नहीं कट होता है, वो भी हम आपका बता देंगे बैक साइड में हुक कैसे देना है। और उसके बाद ये बाजू के लिए डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद फिर से डबल फोल्ड करेंगे, यानी 4 फोल्ड करेंगे।
तो देखिए हम बाजू में थोड़ा सा इस साइड का बाजू जो निकाल रहे थे तो मेरा छोटा हो रहा था, तो हम इसलिए ये वाला कपड़ा में हम बाजू निकाल ले रहे हैं। तो देखिए इस पर हम जोड़ेंगे, इसीलिए इसको हम थोड़ा सा चढ़ा के रखे हुए हैं कपड़ा को, और उसके बाद हम देखिए चार फोल्ड कर दिए हैं। और देखिए ये बाजू हम आपको दिखाते हैं कितने पर है, तो ये बाजू मेरा 4.5 पर है, तो हम 4.5 नहीं लेंगे, 6 इंच लेंगे, और इस जगह खुला भाग में हम 3.5 ले लेंगे, बंद भाग में हम 6 इंच लेंगे और खुला भाग में 3.5 ले लेंगे। उसके बाद हम कपड़ा को कट कर देंगे। और उसके बाद जो हम कपड़ा काटे हैं इस कपड़ा को हम बाद में जोड़ लेंगे। डबल तक हम कट कर लेंगे थोड़ा से के लिए, ताकि आगे का हमारा बाजू में झोल ना हो। ऐसे क्या होता है, हमारा बाजू में झोल हो जाता है हर, या इसलिए वाला कट करके बैठाइएगा तो इस जगह आपका झोल नहीं होगा। आप देख सकते हैं ऐसे यहाँ पर आपको ऐसे करके यहाँ इस तरह कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर आप कट कर लीजिएगा। अब देखिए हम हुक पट्टी कट कर लेंगे और गला पट्टी अब कट करेंगे। देखिए ये हमारा गला पट्टी हो गया है, और ये स्ट्रा कपड़ा को हम रख देते हैं। तो हम पहले इस तरह करके डबल अस्तर जो कट कर दिए हैं, तो हम कपड़ा वाला को इस तरह करके डबल फोल्ड कर लेंगे। और बैक साइड का जो है हम बैक साइड इस तरह रख लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, उसके बाद हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा इसलिए रखते हैं ताकि बाद में हम सिलकर काट दें। आप सिल लीजिएगा चारों ओर से। उसके बाद हम देखिए बाजू कट करेंगे, तो आप देख सकते हैं इस जगह से हम बाजू कट करेंगे, तो बाजू में ये कपड़ा हम ज्वाइंट देंगे। तो ये देखिए मेरा तो कपड़ा थोड़ा सा घुंची है, तो इस तरह करके हम आप बाजू ऐसे भी काट सकते हैं रखकर, तो हम इसी तरह बाजू को कट कर देंगे। उसके बाद आपको हम दिखाएंगे जब सिलेंगे तब।
उसके बाद इस पार्ट को कट करेंगे जो आगे का है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम ज्यादा रखेंगे। उसके बाद ये वाला पार्ट को कट करेंगे, इस हिस्सा को हम कट कर देंगे। देख सकते हैं दोनों कट करके कट कर दिए हैं हम, जब सिलेंगे तो आपको बताएंगे। अगर आप नया है तो, और ये पट्टी है इसको रख लेंगे। उसके बाद ये मेरा काज पट्टी है, इसमें दो पट्टी लगता है, काज और हुक पट्टी लगता है। ये मेरा गला के पट्टी है, तो कैसे लगा आपको हमारा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता देंगे। हम इस वीडियो में तो बता नहीं सकते थे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा एंड हम कोई लाइव वाइव नहीं आते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कटिंग करके ज़रूर बताएंगे। कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इस तरह करके आप बांध दीजिएगा फोल्ड करके। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इसका क्या होता है, टुकड़ा अगर इधर उधर चल जाएगा तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ब्लाउज में ज़्यादा कपड़ा नहीं होता है। कभी कभी घर जाता है तो घर से ही कपड़ा देना पड़ता है। तो इस तरह आप कपड़ा को, ब्लाउज को काट के बांध दीजिएगा तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। इस तरह फेंक भी दीजिएगा, कहीं भी रख दीजिएगा, तो आपको बच्चा इस तरह करके देखिए नहीं गिरा सकते हैं। क्योंकि एक दो साल के जो जिस घर में बच्चे होते हैं ना, वो सामान को ज़्यादा लदा बदा करते हैं, तो वो नहीं होगा, कुछ भी खोएगा नहीं सामान आपका। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।